करोगे, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ प्लस आइकन में क्लिक करना है, आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये देख सकते हो। सिंपली एड फोटो में चलना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से अपना मॉडल लेना है, तो ये रहा मेरा मॉडल। गाइस मैं इसको पोर्ट्रेट साइज में बना रहा हूँ क्योंकि ये रोटेट करने के बाद ये जो सारे नीचे में ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब शो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी, आपको ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊँगा। तो इसको लेने के बाद सिंपली यहाँ से आपको स्क्रॉल करके आना है कटआउट पर, इसको कट करते हैं और यहाँ से आउटलाइन पर क्लिक करते हैं और इस तरह से अपने मॉडल के अराउंड एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हो गया है, देख सकते हो, दिन ब्रश यूज करते हैं, यहाँ पे जो पार्ट रह चुका है इसको इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। मैं जल्दी से करता हूँ, आप लोग टाइम देखे करना। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं एडजस्ट में, इसके जो ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज, यहाँ से फेज में जाके इन्वर्ट करते हैं, हार्डनेस को डाउन, पॉजिटिविटी डाउन और साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड यहाँ पे हाईलाइट्स है, वहाँ पे हाईलाइट इस तरह से देना है क्योंकि देख सकते हो जो महादेव है हमारे पुलिनार उनके पूरे बॉडी पे हाईलाइट है, तो हमको भी यहाँ हाईलाइट इस तरह से क्रिएट कर देना है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आगे देख सकते हो बिफोर आफ्टर कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा डाउन करते हैं, जो ब्राइटनेस इसको ऑन रखते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं क्लिक दिन अगेन, उसमें चलते हैं एडजस्ट में, इस बार हम सॉरी प्रोसेस करते हैं, इस बार हम डार्क से करेंगे। यहाँ पे हम निकल गए हैं थोड़ा सा डाउन, यहाँ से कर लेते हैं डन एंड उसके बाद सिंपली चलना है आपको एड फोटो में एंड आपको ये तिलक पिन ले लेना है एंड इसको इस तरह से छोटा करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, पॉजिटिव को मैं रखूँगा 85 तक, तो आई थिंक इतना परफेक्ट है। यहाँ से डन, जैसे कि नेट फोटो में चलना है आपको ये वाला पीएनजी लेना है एंड इसको इस तरह से ऐड कर देना है, मैंने पॉजिटिव को 90 तक रखते हैं, यानी यहाँ से सिंपली डन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो महादेव है उनके साइड साइड में ये जो रेड कलर का स्मोक है उसका थोड़ा सा इफेक्ट है, तो हम अपने मॉडल के ऊपर भी इस तरह का स्मोक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सिंपली ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से आपको ब्रश चूज करना है सबसे पहले, तो जो हार्डनेस इसको पूरी तरह डिप की साइज को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा रखना है, ज़्यादा छोटा ना, तो ड्रॉइंग 60 तक रखते हैं एंड इसको ऑन कर देते हैं। जैसे भी कलर्स में जाके ये इस तरह से आपको कलर चूज कर लेना है जैसे मैंने किया है, जस्ट हमको इस तरह से आउटलाइन बनाना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ चलना है, देन यहाँ क्लिक करके ओवर लिख कर देना है, तो देख सकते हो कितनी अच्छी जो है एक लाइक अन लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करेंगे करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम फेस पे अप्लाई करते हैं, सो आई थिंक फेस में बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से ओपेसिटी को डाउन, साइड को थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा सेट में हम इस तरह से अप्लाई करेंगे हल्का सा,
हेयर से भी हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं, एंड इसके बाद इसकी ओपासिटी को हम लेते हैं अराउंड 50 तक। तो आई थिंक इतना परफेक्ट है, एंड यहाँ से करते हैं डन। एंड इसके बाद आपको अगेन एड फोटो में आना है, तो आपको ये दो पेन लेने हैं, तो सबसे पहले इसको साइड रखते हैं एंड इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ओपेसिटी को हम रखते हैं 70 तक। सो आई थिंक इतना परफेक्ट है, तो इसे अच्छे सेट कर लेते हैं। देन ये वाला आपको पेन लेने हैं, सॉरी, एंड इसके बाद आपको चलाना है ब्लेंड मोड में, जिसको आपको रखना है यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको हम सबसे इस तरह से कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई बेस्ट है, यहाँ इरेज में चल के थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं साइड साइड एरिया, ताकि बैकग्राउंड से जो मैच कर जाए। यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी हम 90 तक डाउन करते हैं, यहाँ से डन। तो फाइनली पिक्चर में हमारी एडिटिंग हो गई कंप्लीट। अब से मिल चलते हैं ड्रॉ टू में, इसको सेव करके ओपन करते हैं लाइटरूम में। वैसे हमने अपने फोटो को लाइटरूम में कर लिया है ओपन, सिंपली सबसे पहले चलते हैं लाइट में, हर बार की तरह थोड़ा सा कंट्रास्ट इंक्रीज करूंगा 7 तक, लाइट को डाउन एंड साइड को इंक्रीज थोड़ा इतना रखते हैं, एंड वाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज, ब्लैक को डाउन। सिंपली यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, 120 तक रखता हूँ। यहाँ से जो है थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ मैं, मिक्स टूल में जाके जो जेड कलर है तो सिचुएशन थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, यू को जो है हम थोड़ा सा डाउन। इसका जो लुमिनस है इसको 5 तक इंक्रीज, ऑरेंज में लुमिनस इंक्रीज करेंगे ना, सिचुएशन को डाउन। यहाँ से येलो का जो है हम थोड़ा सा सिचुएशन इनकी चीजों को डाउन, ग्रीन को देते हैं, सियान कलर को भी देते हैं, एंड जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा सिचुएशन इंक्रीज, यूवी इंक्रीज, पर्पल का भी सिचुएशन इंक्रीज, यूवी इंक्रीज, एंड यहाँ से डन। इसके बाद सिंपली आना है इफेक्ट में, तो इंग्रेज डाउन करना है इफेक्ट का, इंक्रीज करना है, क्लियरिटी भी इंक्रीज करना है, एनहांस का टच टेक्सचर भी इंक्रीज करना है, एंड इसके बाद डिटेल में शार्पनिंग ऐड करते हैं, नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि सारा नॉइज खत्म हो जाए। तो देख सकते हो बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर, यहाँ से इसको करते हैं सेव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।